गाइस, मेरा नाम है प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे टॉप 10 फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम purple.com। purple.com स्पेशली क्योंकि वहाँ बहुत अफोर्डेबल मेकअप रहता है, एंड टीनेजर्स या फिर जिनको भी अफोर्डेबल मेकअप चाहिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ वो 10 चीज़ें कौन सी है purple.com से जो मैंने खरीदी है मेकअप की कैटेगरी में, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और हमने स्ट्रिक्टली इसका बजट 250 रखा है। 250 के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मोस्टली प्रोडक्ट 100-150 के अंदर ही है। तो 250 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड सी कि आज कौन कौन से प्रोडक्ट हम दिखाने। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं बात करने वाली हूँ इस NY Bay के CC क्रीम का विद SPF 20। नाउ ये आता है 4 शेड्स में और इसकी MRP है 149। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको डिस्काउंट में कुछ 110-120 रुपए के आसपास मिल जाना चाहिए। सारे प्रोडक्ट का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्पल पे सेल चल रही है तो फटाफट जाके आप अभी के अभी परचेज कर लेना ताकि आपको बेस्ट डिस्काउंट्स मिले। सो दिस इज द फर्स्ट CC क्रीम। इसमें बहुत लाइट कवरेज है बट बहुत स्किन लाइक कवरेज है, एंड स्किन काफ़ी ग्लॉसी और नेचुरल लुकिंग लगती है अगर आप इस CC क्रीम को अप्लाई करते हो। और 4 शेड्स भी है तो काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए अपना शेड मैच ढूंढना। सो यस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट आई रियली लाइक एंड आई वुड हाईली रिकमेंड। सेकेंड प्रोडक्ट गाइज, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया अफोर्डेबल टीनेजर्स के लिए, दिस इज़ द स्टेक वर्की आई लव यू टू काजल। ये जो काजल है गाइज, इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल। इसका प्राइस मेड इन जर्मनी है एंड इसका प्राइस कुछ 110 या ऐसे कुछ है, 120। आई विल मेंशन द प्राइस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। ये इसकी इनर पैकेजिंग है गाइज, एंड दिस इज़ अ जेट ब्लैक काजल और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं करता है लगाने के बाद। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ अ जेट ब्लैक काजल एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सो अगर आप इतने सस्ते में एक अफोर्डेबल एंड अच्छा काजल ढूंढ रहे हैं, दिस इज़ अ काजल यू शुड गो फॉर एंड आई हाईली रिकमेंड दिस काजल। नेक्स्ट अप गाइस, थर्ड प्रोडक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है स्टेक वर्की का बैडास लाइनर। नाउ ये मैं 3-4 बार ख़त्म और ख़रीद चुकी हूँ। बजट लाइनर की कैटेगरी में मुझे ये लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इट्स मैट ब्लैक और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये स्मज भी नहीं होता वाटर से, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। इनफैक्ट मेरा और मेरी बहन का ये फेवरेट लाइनर है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप बजट के अंदर 200 के अंदर कोई अच्छा आईलाइनर देख रहे हैं, 150 के अंदर ही जनरली आपको मिलता है। अगर आप 200 के अंदर कोई अच्छा लाइनर देख रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। नेक्स्ट गाइस, जो मेरा चौथा प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो है NY Bay X शक्ति का ये लिपस्टिक। तो ये उनकी बुलेट लिपस्टिक्स है और इसकी MRP है 249, बट ये 200 के नीचे ही मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ग्राम प्रोडक्ट है। पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत क्लासी है, क्रीमी मैट फिनिश में ये प्रोडक्ट आता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। पिगमेंटेशन भी काफ़ी हाई है, कोई ऐसा एडेड एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस भी नहीं है इसके अंदर जो आपको इरिटेट करे। ये शेड जो है वो है हील पुल 6। आप इस रेंज में से कोई सा भी शेड ले सकते हैं, जनरली ये हमेशा 200 के नीचे आपको। प्रोडक्ट वी हैव इज अगेन अ लिपस्टिक फ्रॉम स्टेक वर्की एंड सॉरी, इट्स द NY Bay X शक्ति लिक्विड लिपस्टिक। सो वो NY Bay X शक्ति का बुलेट लिपस्टिक था एंड ये लिक्विड लिपस्टिक है। इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसकी भी MRP गाइज 230 रुपीज़ है एंड ये आपको हमेशा 280 रुपीज़ है, बट आपको हमेशा ये 190 से लेके 230-220 तक मिल जाता है। जो शेड मेरे पास यहाँ पे है इसका नाम है टैंगो टीज एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक्स ऑन योर लिप्स। नेक्स्ट अप गाइस, जो प्रोडक्ट मुझे अभी रिसेंटली मैंने लिया और बहुत पसंद आया वो है NY Bay का डुअल टोन नेल पॉलिश रिमूवर। ये प्रोडक्ट 75 रुपीज़ का है, इतनी बड़ी बॉटल में है एंड वन स्वाइप में ही आपका नेल पेंट रिमूव कर देता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम purple.com जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो अहेड एंड ट्राई। नेक्स्ट अप गाइज, जो प्रोडक्ट मैंने अभी लिया है मुझे काफ़ी पसंद आया है, इट्स द purple योर ओन BFF कॉम्पैक्ट। मेरा शेड है हनी सेल्फ केयर 2।
ये भी चार शेड्स में आता है, काफ़ी स्टर्डी पैकेजिंग है, इसके अंदर पफ भी आता है, स्टर्डी मिरर भी आता है, काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट है, कवरेज भी डिसेंट है, तो मुझे ये पसंद आया। इसकी MRP 199 है, बट मैंने इसको 149 रुपीज़ में लिया था, विच आई थिंक इज प्रिटी अफोर्डेबल। नेक्स्ट अप गाइज, मैंने रिसेंटली अभी एक कंसीलर लिया, स्टेक वॉकी का बाइट एंड हाइड, ये 225 रुपीज़ का आता है, आपको डिस्काउंट में 210 या 220 का मिल जाएगा। जो शेड मेरे पास है, दिस इज़ डीप सनकिस्ट 7। Now this is a very nice and creamy concealer, very nice coverage, like I was not expecting. Quantity थोड़ी सी कम है, तो अगर बड़ी quantity में भी ये आ जाए तो मज़ा आ जाए, but ये concealer काफ़ी decent है, काफ़ी अच्छा concealer है। So if you're looking for a budget concealer which is really really good, you can go for the Stay Quirky one बाइट एंड हाइट कंसीलर। इनफैक्ट उनका स्केच वाला कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है, माई फ्रेंड निधि फ्रॉम द ट्रेंड डायरीज इज यूजिंग इट एंड शी इज लविंग इट। इन द लास्ट प्रोडक्ट फॉर द डे इज स्टे क्वर्की मिनी लिपस्टिक, ये वाला जो है 235 का आता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड लिपस्टिक्स फॉर्मूला आई हैव ट्राइड। पिगमेंटेशन के मामले में ये बहुत ज़्यादा हाई है एंड काफ़ी ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी जो एप्लीकेटर है इसके वजह से, एंड कंट्रोल रहता है प्रोडक्ट अप्लाई करने के टाइम पे, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गो अहेड एंड ट्राई दिस वन एज़ वेल। लास्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज दिस पर्पल विंकिंग टुगेदर काजल। नाउ ये जो है, अगर आप कलर्ड काजल ढूंढ रहे हो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। इसका शैम्पेन कलर और स्काई ब्लू कलर मेरे पास है, काफ़ी ब्यूटिफुल है ये शैम्पेन वाला, इनफैक्ट स्काई ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कलर शैम्पेन काजल और मे बी अ स्काई ब्लू काजल और ग्रीन काजल और ब्राउन काजल और ब्लैक काजल, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द पर्पल विंकिंग टुगेदर काजल। अगेन दिस इज अंडर 249 रुपीज एंड दिस इज रियली 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 अ वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की कोई वीडियो आप मिस ना कर दो। मैं आपसे अपने अगले वीडियो मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए और अच्छे रहिए, बस यही मेरी दिल से कामना है। और जल्दी से हमारी इस फैमिली को 50K का बना दीजिए। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।